दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। आप किस बात की माफी मांगते हो? वक्त भी चला गया और वो लोग भी चले गए जिनके सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया था। भला एक पुरुष औरत के सामने माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगता, कहकर नीता रसोई में चली गई। अरविंद वहीं बैठा उसे देखता रहा। उसे याद आ गया वो दिन जब वो एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवा था। उसकी हाल ही में नौकरी लगी थी। अरविंद के माता पिता, भाई भाभी, पूरा भरा पूरा परिवार था। अरविंद देखने में हैंडसम था पर आत्मविश्वास की कमी थी। अरविंद की नई नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरा परिवार तरह से इस बात को कैसे भी तो किया जाए। इसलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखने जा रहा था। उसने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर नीता से हुई थी। नीता देखने में बहुत काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई बैंक के कार्य ही नहीं अपित किसी भी मुद्दे पर नीता से बुलवावा लीजिए वह किसी भी मुद्दे पर बेझिझक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी और यही यदा अरविंद को पसंद आती थी। अरविंद को नीता पहले नज़र में ही भा गई थी। अरविंद मन ही मन उसे बहुत चाहता था पर कभी कह नहीं पाता था। नीता जितनी विश्वास से भरी हुई थी, अरविंद में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। नीता अचानक से आकर अरविंद से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने वो कई बार सपक जाता था और हकलाना शुरू कर देता था और उसकी हकलाहट देखकर नीता की हंसी छूट जाती। नीता को भी अरविंद की सादगी पसंद थी पर प्यार बया जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में नीता की गाड़ी खराब हो गई। अरविंद उस समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने नीता की मदद की। उस दिन पहली बार नीता ने अरविंद को नोटिस किया था। धीरे धीरे नीता को भी अरविंद का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी थी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते थे। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करने चाहते थे। जब दोनों अपने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। नीता के माता पिता ने नीता को खूब समझाया कि अरविंद तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुम से कम कमाता है, पर उस समय वह अरविंद से के प्यार में अंधी हो गई चुकी थी। उसे अरविंद के सिवा कोई दिखा भी नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता भी खुश नहीं थे, पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि नीता अरविंद से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है तो पैसे का लालच से ही सही बेटे के समान झुक कर उसकी शादी की तैयारियां हो गए थे। पर उसकी भी शर्त यही थी कि नीता को घर में ही भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे और मान मनोहर के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोग ने ताने भी बहुत मारे पर फिर भी दोनों अपने रास्ते से न डिगे। पर असल परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। बस वही सब इन दोनों के साथ होने लगा। नीता के शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में यही भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर ही रहेगी। वह तो सुबह सुबह उठकर अपने समय व्यर्थ कर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा यही हुआ कि महज 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी नीता को ठहराया गया था दिया।
पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर नीता घर में काम कर लेती थी, वहीं अब पूरा काम नीता की जिम्मेदारी हो गया। नीता सुबह उठकर घर का सारा काम कर ऑफिस जाती और आप वापस आने पर कोलू के बैल की तरह दोबारा घर में काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार जरूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर नीता को ही दो बातें और सुना दी जाती। अरविंद अगर नीता की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्द से नवजात जाता। छोटे मोटे तीज त्यौहार पर नीता से छुट्टी करने के लिए कहा जाता और अगर वही मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। जब देखो तीज त्यौहार पर लड़ाई झगड़े करवा देती हैं। यही संस्कार दिए गए हैं इसके माँ बाप ने, भला घर में बरकत कहाँ से होगा। पता नहीं ऐसी नौकरी पेशी औरतें शादी करती क्यों हैं। जब नौकरी ही करनी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्यौहार तो मनाना ही पड़ेगा ना। अब तो अरविंद के दोस्त ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। अरे भाभी जी, तेरी कहाँ सुनती होंगी, ऑफिस में भी तेरी बॉस, घर में भी तेरी बॉस, तेरी तो मजे है। भाभी कमा कर खिला रही हैं, तुझे क्या चिंता, लोगों को मजाक में कह जाते। लेकिन ये बात सीधे अरविंद के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर, घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती तो ताने अरविंद को सुनने को मिलते। तेरी बीवी तेरी बॉस होगी तो तू ही तो सुनेगा, हम नहीं। अब तो कोई ना कोई बात पर नीता और अरविंद के बीच में झगड़े हो जाते। नीता भी समझ रही थी कि अरविंद की मनोस्थिति, वो नीता से नौकरी छोड़ाने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और नहीं चुप रह पा रहा था। उसी दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर के यज्ञ होवन करवा था जिसके लिए उन्होंने नीता से छुट्टी करने के लिए कहा। अब जिस दिन हवन था उसी दिन ऑफिस में इन्फेक्शन आया हुआ था। नीता मैनेजर थी, इसीलिए जाहिर सी बात है नीता की ऑफिस में होना जरूरी था, इसलिए नीता की छुट्टी करना संभव नहीं था। इस बात पर बतंगड़ बनाकर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष अपने रंग को नहीं जीत पाता तो वह औरत को दबाने शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष पर अपने पति होने से ज़्यादा पुरुष वाला दबंग हावी हो गया। गुस्से में अरविंद ने नीता पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि नीता गलत नहीं थी। नतीजा यही हुआ कि नीता ने अपने सामान पैक किया और सीधे अपने मायके जाकर बैठ गई। उस समय जमाना कुछ और था। कोई भी माता पिता यहाँ नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके में आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना यह जाने कि नीता की कोई गलती नहीं है। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई वास्तविक नहीं है, पर इसकी कोई समझ में नहीं आई थी। तब तो आँखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। अब आप शांत रहिए, कुछ दिन शांत से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी, माँ ने पिताजी को चुप कराते हुए कहा। अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठी है मायके। अरे कह देंगे कि कुछ दिन मायके मिलने के लिए आई है। अब पर शांत रखिए, आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह सकती है जैसे तुम चाहो, पर खबरदार बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यहाँ अरविंद भी अच्छे से जानता था कि नीता गलत नहीं थी, बल्कि गलत उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका दबंग उसे नीता के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपने पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसके आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि नीता माँ बनने वाली है। अब तो नीता को हार को समझाने लगा था।
बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। अरविंद भी चाहता था कि नीता वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। एक दो बार माँ पिता से बोला दो तो दोनों उसे ही सुनाने लगे, हमने तो निकाला नहीं था उसे, अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी, लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार नीता के माता पिता खुद नीता की मर्जी के विरुद्ध उसको जबरदस्ती छोड़ने उसके ससुराल पहुंच गए। जिस तरह से सास ससुर जेठानी नीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, नीता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूठी रानी को कौन मनाए, आ गई अपने आप ही सास ने ताज कसा। औरत कितनी ही हवा में क्यों ना उड़ ले, रहना उसे जमीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसे औरतों के पंख कुतरना। ससुर ने अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़े। नीता बेचारी वहाँ तो अपने स्वाभिमान की लाश उठे उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ना माता पिता समझ रहे थे और ना ही पति। अरविंद से तो इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम अपनी गलती का माफ़ी मांगे। हाँ, इतना ज़रूर था कि अब नीता पर ताज दो गुण प्रहार से किए जाने लगे। समाज के नज़रियों में नीता वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी, जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई। गर्भावस्था को वो महीने नीता पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर में काम, ऊपर से जब दोनों को संभालना नीता के बस की बात नहीं थी, ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्या, ढंग से खाने पीने ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम और प्रेशर के कारण नीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी, पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। लेकिन किसी को कुछ लेन देन नहीं था। हालांकि अरविंद अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मुहावे कर देता था, पर अब नीता के मन में ना तो पहले जैसा प्यार था और ना ही सम्मान, इसलिए वह ज़्यादा कुछ अरविंद से केयर की तरफ ध्यान नहीं देती। नौवे महीने में नीता ने मानो को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही नीता की थोड़ी पूछ बढ़ चुकी थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू तो सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुश मनाई, जैसे सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान नहीं रखा, वही सास अब नीता का पूरा ध्यान रखने लगी थी। आगे नीता की खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता। मानो के 3 महीने के होते ही नीता ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस बात का भी बखेड़ा हो गया। लो, बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाने की तैयारी हो गई। तुम आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज़ है या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जाने हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो या नौकरी बोकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपने बच्चों पालो। अरे अरविंद, तू क्यों नहीं समझा रहा है अपनी पत्नी को? ऐसा क्या पत्नी की कमाई का लालच तुझमें? अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा। मानो के होने के बाद अरविंद को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में नीता को कहा दिया, नीता क्यों जिद कर रही हो? मानो की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा जरूरी है। दो टुक जवाब में अरविंद ने बात को ख़त्म कर दिया। एक बार भी नीता से यह पूछना ठीक ना समझा कि वह क्या चाहती है। आखिर नीता इस शादी को तोड़ने नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि समाज में एक औरत के लिए एक पुरुष का वास्तविकता होना जरूरी है, और जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। आखिर अरविंद के दो टूक जवाब ने नीता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी गृहस्थी बचानी थी, मानो की परवरिश करनी थी और अपने पति के दबंग को बचाए रखना था, इसीलिए उसने अपनी नौकरी, अपना करियर, सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से
गृहस्थी जीवन बिताने लगी। नीता के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ नीता को छोड़कर सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और नीता अपनी हार अपने दिल में समेटे बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा कोई भी उसे सुनता था। घर के फैसलों में भी कभी कुछ पूछा नहीं जाता था, उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया था। वह ज़्यादा किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, अपना पहले जैसे उन्मुक्त हंसी थी और ना ही साज सिंगार बिल्कुल साधारण से रहने लगी थी। इसमें जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब ये गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए, पर आज जब मानो की पत्नी नेहा ने नीता को सबके सामने सुना दिया, आपके बस ही की बात नहीं है मम्मी जी, अपने किए ही क्या अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ घर में बच्चे ही तो संभाले हैं। तो आज फिर अरविंद को नीता के लिए बुरा क्यों लगा? वो कुछ कहने को हुआ तो उससे पहले ही नीता उठकर कमरे में चली गई। अरविंद उसके पीछे पीछे कमरे में आया और बोला, तुम बहू को उसके मुंह पर बात नहीं कर सकती थी कि तुम कितनी वेल एजुकेटेड हो। बैंक में मैनेजर थी तुम और वो एक छोटी सी नौकरी के पीछे तुम्हें इतना सुना रही है? मुझे तो सुनने की आदत है, आप क्यों दिल पर ले रहे हो? अरे तुम में स्वाभिमान है या नहीं? अरविंद के कहते ही नीता ने एक नज़र भर अरविंद की तरफ देखा, जैसे कह रही है कि स्वाभिमान तो पहले ही तुम लोगों ने कुचल दिया। बहू तो उसके सामने कुछ भी नहीं कहती। उसकी नज़रों को देखकर अरविंद चुप हो गया। नीता चुपचाप अपने कामों में लग गई। अरविंद कुछ भी नहीं बोल पाया। आखिर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को कुचलने में उसका भी तो सबसे बड़ा योगदान था। आज अरविंद उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहा है जो उसने नीता के साथ किया था, पर आज देने के लिए नीता के पास कुछ भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी स्टोरी से सीख क्या मिली है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।